नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ, एक नया कोल्ड स्टोरेज बन रहा है वहाँ पर, और देख सकते हैं कि इसका जो काम है ये शुरुआती स्टेज में है। थर्मोकोल का काम अभी चल रहा है, ठीक है, इंसुलेशन का काम चल रहा है, साथ में यहाँ यूनिट जो लगा है इवापोरेटर, तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसका कनेक्शन भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ स्टार कूलर्स का इवापोरेटर लगा हुआ है, तो इस चैम्बर में 4 इवापोरेटर लगे हुए हैं और ये 4 चैम्बर का स्टोरेज है, और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 7000 मैट्रिक टन की है, तो लगभग 1,40,000 पैकेट के आसपास आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये कैपेसिटी इसकी है और 4 चैम्बर इसमें है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका जो क्रेट का काम हो चुका है, थर्मोकोल रखे हुए हैं और अभी काम शुरुआती स्टेज में है। यहाँ पर जो इंसुलेशन का काम चल रहा है, खिड़कियाँ अभी नहीं लगी है, ठीक है, और इसमें का कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखते हैं कि काम हो रहा है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। सक्शन का है और आपको नीचे भी दिखाऊंगा मशीन रूम की तरफ, आपको यहाँ बाहर का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ कैसा है। और दोस्तों, इस स्टोरेज का जो अभी का करंट कैपेसिटी जो है ये 1,40,000 के आसपास होगा, या उससे थोड़ा सा कम पकड़ेगा, जिसे 1,35,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरेज को एक्सपेंड किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा और इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होगी और 2 चैम्बर और बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल कैपेसिटी दोनों का होगा लगभग 60,000 के आसपास हो सकता है। तो इसके लिए कंप्रेसर्स कितने लगेंगे, ये सभी बातें मैं इस वीडियो का जो सीरीज होगा, जैसे पार्ट 1, 2, 3 इस तरह का वीडियो आएगा, तो आप उन सभी को देखिएगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और काम इसमें चल रहा है, आवाज़ भी आपको आ रहा है। यहाँ भी इधर सभी का कनेक्शन हो चुका है और नीचे जाकर देख सकते हैं कि इसका लाइन भी सभी का कनेक्ट कर दिया गया है, और ऊपर इसका जो सक्शन लिक्विड का जो लाइन है, ये लाइन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है इस चैम्बर का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दूसरे चैम्बर में गया है, जो कि मशीन रूम में जाएगा, और ये जो दूसरा चैम्बर है इसका भी सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें थर्मोकोल का काम नहीं हुआ है, अभी इंसुलेशन का काम चल रहा है, और इसमें भी 4 इवापोरेटर लग गए हैं और इसका कनेक्शन भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि अभी केवल दीवारों में जो इंसुलेशन का काम इधर हुआ है और इस साइड में नहीं हुआ है, तो ये काम चल रहा है, ऊपर बिल्कुल ही खुला है। आगे का जो ऊपर का जो छत है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तीसरे चैम्बर का, और 14 चैम्बर का भी उसी तरह काम चल रहा है, और यहाँ इस चैम्बर का जो सभी का कनेक्शन है इवापोरेटर का, ये कंप्लीट हो चुका है, दिखा देता हूँ आपको। उसी तरह इधर भी है, 4 इवापोरेटर का कंप्लीट हो चुका है। पानी लाइन की बात करें तो पानी लाइन के जो ये है, इसका आप देख सकते हैं कि 1 फीट के लगभग ढाल है, तो इसका काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 4 इवापोरेटर दोनों चैम्बर में लग गए हैं। यहाँ आपको दिखाता हूँ, काफ़ी नीचे शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसुलेशन का काम हो रहा है साथ में, और कुछ दीवारों को चिपिंग किया जा रहा है, तो इसमें आवाज़ काफ़ी आ रहा है। साथ में वायरिंग का भी काम शुरू हो चुका है, इसमें आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ से इसका नीचे जाने के लिए जो स्टेप है यहाँ से है, लैडर जो है यहाँ से लगा हुआ है, और ये काफ़ी स्मूथ है, बढ़िया है, बढ़िया से आदमी उतर सकता है इसमें। यहाँ देखते हैं कि थर्मोकोल का काम चल रहा है,
इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। दोस्तों इसका मैं फुल वीडियो आपको बनाऊंगा। यहाँ देखते हैं कि ये है कंपाउंड और यहाँ इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो इसमें क्या क्या लगेगा, 7000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है इसकी, और इसमें कितने मशीन लगेंगे, कंप्रेसर्स लगेंगे, किस तरह का काम होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, मशीन में भी लेकर चलूँगा, वहाँ पर कितना काम हो चुका है मैं ये दिखाऊँगा आपको। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लगभग काम हो चुका है, अंधेरा है काफ़ी। ये पानी लाइन देख लीजिए, यहाँ से लगभग 1 फीट ढाल है इसका, काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें, लाइट की कमी है। और ये जो है ये पाइपलाइन पानी का जा रहा है। और यहाँ भी लगभग 1 फीट का ढाल है, इसका जॉइंट अभी नहीं हुआ है, कनेक्शन लाकर छोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि नीचे कौन कौन से कंप्रेसर मशीन में लगे हुए, कितना काम हुआ है, कंडेंसर का काम हुआ है कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। लगभग ये 5 फ्लोर है, ठीक है, नीचे एक ग्राउंड भी है, जो हम लोग आम भाषा में 0 बोलते हैं। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो ये शुरुआती स्टेज में है इसका काम, और आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो पर्सन है ये प्लेन का है, प्लेन फ्लोर है, तो ये प्लेन है, और नीचे यहाँ देख सकते हैं कि ये है 0 जो ग्राउंड में जा रहा है, ज़मीन के अंदर में है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट होगी, इसकी ऊंचाई 10 फीट होगी, और इसका जो फाउंडेशन दिख रहा है आपको, वहाँ से इसका क्रेट रहेगा, तो लगभग 8 से 9 फीट ऊंचाई होगी इसकी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आगे का चीज़ अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे कि मशीन रूम में कितने कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, कंडेंसर का काम कितना हुआ है, मशीन रूम का काम कितना हुआ है, इन सभी चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।